भी किसी ने बताया बताया कि जी वो कोई स्कॉलर बैठे हुए थे, उनके पास किसी खातून की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। मुझे मुफ्ती साहब से एक राय लेनी थी। ये शादीशुदा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर मुझे कोई और पसंद है। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने किसी किस्म की मुझे कोई तंगी नहीं दी हुई, फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि दफ्तर में हमारा इतना टाइम साथ में गुजरता है तो मुझे कोई और जो है उनकी तरफ मेरा दिल जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि कोई इस तरह करके मुझे वसीफा बता दें कि मैं उनका दिल भी ना तोड़ूं अपने खावन का, और उनसे मैं अलहदा हो जाऊं और शादी कर लूं उनसे जिसको मैं पसंद करती हूं। ख्याल हो रहा था मैं बैठा होता यहां पे तो मैं उससे कहता आप अपने हस्बैंड को फोन दें, कहता तुझे शर्म नहीं आती यार, ये तो होगा। मैं ऐसी खवातीन से कहता हूँ तुम्हें जो दफ्तर में मर्द तुम पे डोरे डाल रहा है ना, वो बेगैरत कभी भी वफा नहीं करेगा तुम्हारे साथ, और अगर वफा की तो तुमसे बड़ा बेगैरत है फिर वो, क्योंकि उसको पता है कि एक बेगैरत अपने शौहर से वफा नहीं कर रही तो वो मेरे साथ कैसे वफा करेगी। कि एक औरत ऐसी है जिसके शौहर ने ब्रॉड माइंडेड बनके उसको इजाजत दी, उस पे एतमाद करके वो अपने शौहर के एतमाद को ठेस पहुंचा के किसी और चक्कर चला रही है। अब मुझे बताओ वो वाला जो आदमी है क्या उसके दिल में ये खटका नहीं लगा रहेगा कि यार आज मेरी आमदन अच्छी है तो ये उधर से घूम के इधर आ गई, कल किसी कोई और नजर आएगा तो यहां से मूव करके वहां चली जाएगी। तो मेरे भाई ये सोसाइटी हमारी तबाह हो रही है। औरत को कहां रखो बोलो, घर में औरतों को बता दो देखो हमारे यहां मर्द कमाते हैं औरतें खाती हैं।